अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप? सब लोग, उम्मीद करूँगा बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि जानते हैं आप लोग, मैंने पहले भी कहा था कि जो मेरी फिंचेस हैं वो ब्रीड पे आ गई हैं और माशाल्लाह से ब्रीड कर भी रही हैं। तो आज मैं इनका बॉक्स उतार के आप लोगों को दिखाता हूँ, इन्होंने क्या ब्रीड की और कितने माशाल्लाह से अंडे दिए हैं। चले आइए, इनका मैं ज़रा केज खोलता हूँ। चलो बाहर आओ। तो ये दोनों बाहर आ गई हैं, अब ज़रा मैं से आराम से निकाल लेता हूँ। आराम से, क्योंकि एग्स वगैरह दिए हुए हैं तो उनके टूटने का ख़तरा ज़्यादा है, तो इस वजह से आराम से निकाल रहे हैं। ये मैंने बाहर निकाल लिया है, दरवाजे का कर देते हैं बंद। तो नीचे रख के हम करते हैं चेक। ये देखें माशाल्लाह से, ऊपर से तो इन्होंने पूरा बंद किया हुआ है, देखने का कोई भी चांस ही नहीं है। यहाँ से मैं देखता हूँ, माशाल्लाह से बेबीज निकल आए हैं। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये देखिए माशाल्लाह से बेबीज भी निकल आए हैं और एग्स वगैरह तो मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा। तो आई थिंक सारे इन्होंने बेबीज निकाल ली हैं अभी फ़िलहाल। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर भर दिया है, इसको जो घास वगैरह है वो मैं निकाल देता हूँ कि ये प्रॉब्लम कर रही है। तो वैसे मैं कुछ बड़ा काफ़ी अर्सा हो गया था, मैं देख रहा था कि जो मेरी फ़ीमेल है वो बाहर आ ही नहीं रही है। तो कई बार मुझे ऐसा लगता था कि शायद पता नहीं इस पिंजरे से वो भाग गई है, क्योंकि मैं तो वैसे इनके फैदर से मैंने काट देता हूँ हर परिंदे के, ताकि क्योंकि मेरे वैसे भी पहले भी काफ़ी ज़्यादा परिंदे मेरे उड़ गए थे, तो नुकसान ही नुकसान हो रहा था। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इनके जो अब फैदर हैं, क्योंकि रखना तो उनको छोटे से पिंजरे में होता है, इसमें माशाल्लाह से जितने इनके मैं फैदर काटता हूँ आराम से ये उड़ फिर सकते हैं। तो अब माशाल्लाह से देख रहा हूँ कि सही है, बेहतरीन है, फैदर काटने का कोई इतना मतलब ऐसे नुकसान नहीं हो रहा मुझे, बेहतर ही है। क्योंकि इनको इतनी बड़ी फ्लाइट तो हमने देनी नहीं होती कि जिन्होंने एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाना हो। तो ये माशाल्लाह से बेबीज भी माशाल्लाह से आई थिंक दो ही बेबीज़ हैं और दो ही अंडे दिए थे इन्होंने इस बार। जी माशाल्लाह से दो ही बेबीज़ हैं, दो हैं या तीन हैं अभी ये तो मुझे पता नहीं चल रहा, लेकिन माशाल्लाह से मैंने जब मोबाइल से देखा था तब दो ही अंडे थे। तो ठीक है माशाल्लाह। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने अपनी जो बाकी फिंचेस थी वो उधर रखी हुई थी, उस केज में तीन फिंचेस थी जो इनके बेबीज निकले थे। तो दो को मैंने एक साथ रख दिया, मेल फीमेल को, एक जो ऑरेंज ब्रस्ट वाला था उसको और एक फ़ीमेल को मैंने उस केज में छोड़ दिया और उनको एक बॉक्स भी दे दिया, वो मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ी देर में। तो उनका एक जो मेल था वो मैंने यहाँ पे रख दिया। ये देखिए माशाल्लाह से ये एक मेल इधर, क्योंकि कॉकटेल बेचारा अकेला ही था तो मैंने सोचा क्यों ना इसके साथ इसको रख दिया जाए। तो साथ इसको ये नेस्ट बास्केट भी दे दी है, इसमें रात को सो जाता जाके। बाकी दिखाता हूँ आपको अपना कॉकटेल, ये देखें माशाल्लाह से कॉकटेल बैठ गया है। टी 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 माशाल्लाह अभी इसमें है, थोड़ा डर है। चलें अब मैं ज़रा बॉक्स लगा देता हूँ। ये देखें माशाल्लाह से पेयर माशाल्लाह बहुत अच्छा बन गया है। तो जैसा कि फिंचेस का तो रेट आपको पता ही होगा, हाई होता जा रहा है दिन ब दिन। तो आज मैंने इन्हें गाजर दे दी थी, लेकिन गाजर इन्होंने खाई बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ी सी खाई है बस। बाकी ये अपना लवबर्ड का पेयर है, इनकी तो मुझे कोई उम्मीद ही नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ मैं शीशे से खड़े को अंदर से देख रहा होता हूँ कि ये क्या हालात हैं इनके। तो मैं देखता हूँ, ये कपड़ा तो मैंने अब लगाया था कि इन्होंने कोई देख ना सके। तो मैंने देखा जो फीमेल है ना मेरी, वो मेल के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन मेल चढ़ने नहीं देता, वो कभी यहाँ पे आकर चढ़ के फिर ऊपर भाग जाता है, फिर इधर मतलब उसको अपने चढ़ने नहीं देता, लेकिन जो फीमेल है वो उसके ऊपर यानी कि जैसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रही होती है। तो फिर मैंने जाके दो तीन दुकानों को दिखाया, मैंने उनसे पूछा, वो कहते हैं अगर तो ये पट्ठे पट्ठे साथ बड़े हुए हैं ना, दोनों दोनों पट्ठे एक साथ बड़े हुए हैं, फिर तो ये इस तरह की हरकतें करेंगे। पेयर होता है काफ़ी, कई बार वो इस तरह की हरकतें करना शुरू करते हैं जब वेले बैठे होते हैं। तो वैसे भी इधर मैं नीचे खाना रख देता हूँ, उधर चिड़िया का बहुत ज़्यादा आना जाना होता है, तो चिड़िया इतनी ज़्यादा आती जाती हैं
ये लोग यहाँ पे आके बैठ के तो इधर इनको देखना शुरू कर देते हैं, तो बाकी सारा डिस्टर्ब हो जाता है। इस वजह से मैंने इन्हें ये कपड़ा भी लगा दिया है, ना ये हमसे डरें और ना ये कुछ चिड़िया वगैरह को देखें। बाकी ये तो माशाल्लाह पेयर काफ़ी अच्छा है, फिंचिस का, ऑस्ट्रेलियन का भी सही पेयर तो अच्छा लगा हुआ है माशाल्लाह। इनका तो डर पूरा ख़त्म हो गया है। पहले शुरू शुरू में जब मैं ये हल्का सा यहाँ पे आके बैठता था, इन्होंने वहाँ पीछे जाके चिपक जाना होता था। अब मैं यहाँ बैठा होता हूँ, आके यहाँ पे खाना खा रहा होता है मेरे सामने बैठ के। तो ये बॉक्स भी है, बॉक्स मैंने जो है उस तरफ से एक दरवाज़ा खोल दिया है। तो अब ये है जो, क्योंकि ये डरते हैं अंदर जाने से, इनको काफ़ी ज़्यादा डर लगता है अंदर जाने से, डरते हैं ये। तो ये अंदर जाके उस साइड से बाहर निकल आते हैं। अब तकरीबन 2 से 3 दिन तक इनका ये मैं दरवाज़ा खोल ही रखूँगा, ताकि ये आराम से अंदर जाएँ, देख लें कैसा है, उसके बाद फिर मैं बंद कर दूँगा। शायद फिर इनसे हो सकता है इनकी आदत पड़ जाए अंदर जाने की और ये जाना शुरू कर दें। तो इनको भी गाजर दी थी, इन्होंने भी थोड़ी बहुत खा ली है। बाकी ये फिंचेस है, मैं दिखाता हूँ आपको अपना ये फिंच का जो बॉक्स मैंने तैयार किया है। ये देखें, ये माशाल्लाह गत्ते का बॉक्स था, तो वो मैंने इनको दे के उसका आगे से मुंह खोल दिया, जैसे वो वाला बॉक्स है ये वाला, ऐसे सेम उसका भी मुंह खोल दिया है। और इनको नेस्टिंग मटेरियल दे दिया, मैं नेस्टिंग करें। वैसे अभी तो ये पट्टा है माशाल्लाह से, इसकी जो जो मेल है उसकी तो अभी चोंच कह लेंगे थोड़ी सी ब्लैक है, तो और फीमेल की तो फुल ऑरेंज हो गई है। तो अभी मेल थोड़ा छोटा है, तो वैसे कहते हैं इनको आपस में लगाना नहीं चाहिए क्योंकि इस तरह से कमज़ोर बच्चे आते हैं। लेकिन अभी मेरे पास कुछ इतने यानी कि पैसे नहीं थे कि मैं इनके लिए आगे ज़्यादा फीमेल्स ले आऊँ या मेल ले आऊँ, तो इस वजह से मैंने कहा चलो आपस में देख लो, अगर कुछ हो जाता है तो ठीक है, वरना फिर मैं थोड़े से पैसे जमा करके इनके लिए फ़ीमेल्स ले आऊँगा। तो उसके बाद ये बटेर है माशाल्लाह से, ये भी अब माशाल्लाह से मुझे लग रहा है एग ले करेंगी, क्योंकि इस तरह से ये बैठी तो होती हैं जैसे एग ले करने लगी हैं, पता नहीं अब करेंगे या नहीं। तो भी गाजर दिए माशाल्लाह, सबसे ज़्यादा शौक से ये गाजर ही खाती हैं। तो ये सारा हो गया, अब लव बर्ड का भी ब्रीडिंग बॉक्स चेक कर लें इनकी क्या सूरत हाल है। वैसे मैं अब खोलता नहीं इनका बॉक्स क्योंकि पता है इन्होंने कुछ किया नहीं होना। कुछ भी नहीं है, नहीं कुछ भी नहीं है, खाली बॉक्स है। वैसे मैं तो आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि जब भी अगर आपने लव बर्ड किसी का भी बॉक्स लेना, कभी भी रेडियो शेप में ना लें, जैसे मेरे पास है ये रेडियो शेप में, ऐसा कभी ना लें। आपने लेना जो लंबा गहराई में ज़्यादा हो, क्योंकि ये होता है अब इसके अंदर इन्होंने स्टेप बनाए हुए हैं, 2 स्टेप होते हैं, उसमें जो बर्ड आके बैठ के ना हमें देखता रहता है कि ये बाहर सुराख से खड़ा होकर, जैसे ये फीमेल देख रही है अभी चली गई अंदर, ये जैसे ये देखें अभी आएगी, ये हल्का हल्का सा देख रही है बाहर, ये देखें। तो ये इस तरह से जब ये देखते हैं तो इनके अंदर से भी डिस्टर्ब होते हैं, तो जितनी गहराई में होंगे ये नीचे बैठे रहेंगे, उसमें इतना चढ़ के उसमें ज़्यादातर मेल बाहर देख रहा होता है, फीमेल जो होती है वो नीचे बैठी रहती है। अब इनमें ये है, ये लोग ज़्यादा इस तरफ को आते नहीं, वो कहते हैं इधर मैं खड़ा हुआ हूँ, तो कहीं इनको यहाँ से वो बॉक्स ही ना खोल दूँ, वो उसके मुँह में बैठे रहते हैं, ताकि जैसे ही अगर ये आए हम वहाँ से बाहर निकल जाएँ। बेहतर है कि आप लोग लें जो लंबाई में ज़्यादा हो, सॉरी गहराई में ज़्यादा हो, वो वाला आपने हमेशा लेना जो गहराई में ज़्यादा हो। इस तरह रेडियो शेप वाला कभी ना लें, बेहतरीन ही है। इस तरह लेना तो आप कलोनी में ज़्यादातर लोगों ने लगाया हो तो उनका वैसे भी वहाँ पे काम कर लेता है ये, लेकिन आम छोटे छोटे केजिस में ये नहीं काम करता। तो बॉक्स जब भी लेना है आपने इस तरह वाला बॉक्स लेना है जो गहराई में ज़्यादा हो। और बस यही थी आज की वीडियो, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएँ, और मेरी जो भी नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन, ताकि आपको सबसे पहले मिल सके।